छाता मिली साफ मतलब कैसे लगा थे समाज में गरीबी या अमीरी तो समाज का एक हिस्सा है, परंतु हम अगर मिल बांट के जब तक काम नहीं करेंगे, जिसके पास किसी के पास थोड़ा कम होता है किसी के पास थोड़ा ज्यादा होता है, तो बस उसको बैलेंस आउट करना है। जिनके पास ज्यादा है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा हमारे इससे अपलिफ्ट कर सकते हैं, तो बैलेंस इज द की, तो बैलेंस से ही ये समाज आगे बढ़ेगा। सालों से ये सेवा करते आ रहे हैं और आज कितने लोगों को क्या क्या वितरित हुआ है? पैसा ये माँ शारदा चैरिटेबल ट्रस्ट को कायम हुए तो 11 साल हो रहे और मुझे जुड़े हुए 7 साल हो गए, और तब से इनके साथ जुड़ के मैं बाकायदा सेवा कर रहा हूँ। आज 200 छतरी वितरण का कार्यक्रम है और हमारे ये ट्रस्ट के जो सदस्य हैं उन्हीं लोगों ने डोनेट करके पैसा दिया है और हमने ये छतरी खरीदी है मार्केट से। ये कहाँ कहाँ से लोग आए हैं? ये तो सब अतराफ के ही नेहरू नगर से लगे हुए जो सलम एरिया है वहाँ के ही सब ये लोग हैं। आगे कुछ और करना चाह रहे हैं? अभी बच्चे लोग आए थे, हमारे संतोष राय सर ने बच्चों को पूछा कि तुमको क्या चाहिए, तो किसी बच्चे ने कहा फुटबॉल चाहिए, किसी बच्चे ने कहा पानी की बोतल चाहिए, किसी बच्चे ने कहा क्रिकेट का बैट चाहिए, मगर दो चार बच्चों ने बोले कि सर स्कूल बैग चाहिए। तो हमको वो उनका जो मांग है बहुत अच्छी लगी। अगले शनिवार को हम तकरीबन 50 बच्चों को स्कूल के बैग फिर से वितरण करने वाले हैं माँ शारदा चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट की ओर से। आपका परिचय? मैं लॉयन रौनक जमाल, मैं उर्दू का साहित्यकार हूँ, मेरा पोल्ट्री का बिजनेस है, न्यू आदर्श नगर दुर्ग में रहता हूँ। जी मैं ये सोचती हूँ कि हम जो बहुत प्रिविलेज्ड हैं, जो बहुत लकी हैं, हमें हमारा पार्ट ज़रूर प्ले करना चाहिए कि जिन लोगों को ज़रूरत है हम उनकी हेल्प कर सकें, और ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट जो है ये सब काम करते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं सबको सपोर्ट कर सकती हूँ। आपका परिचय बताइए, नाम आपका? मेरा नाम खुशिया ठाम है। समाज में गरीबी या अमीरी तो समाज का एक हिस्सा है, परंतु हम अगर मिल बांट के जब तक काम नहीं करेंगे, जिसके पास किसी के पास थोड़ा कम होता है किसी के पास थोड़ा ज़्यादा होता है, तो बस उसको बैलेंस आउट करना है। जिनके पास ज़्यादा है हम ऑब्वियसली थोड़ा सा हमारे इससे अपलिफ्ट कर सकते हैं, तो बैलेंस इज द की, तो बैलेंस से ही ये समाज आगे बढ़ेगा। तो प्रयास से आप कितने सालों से करते आ रहे हैं और आगे क्या इसमें और कुछ? माँ शारदा सामर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट 2015 में इस्टेब्लिश हुआ और यह सोसाइटी जो काम करती है ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाई कहीं ना केवल गाइडेंस देती है, बल्कि ज़रूरतमंद बच्चों को कपड़ा देना, ये जो लिबास कार्यालय है यहाँ पे हर महीने के प्रथम शनिवार को कपड़ा बांटा जाता है। हमारे पास माँ शारदा सामर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट के पास एक गाड़ी है जिसमें बच्चे ये वॉलंटियर्स ये बच्चे हैं जो काम करते हैं और गाँव में जा करके जहाँ ज़रूरतमंद लोग होते हैं वहाँ तक कपड़े पहुँचाते हैं। संस्था में लगभग 100 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं शहर के, जो किसी न किसी रूप में सहयोग करते रहते हैं। और अभी आने वाले समय में शिक्षक सम्मान समारोह किया जाएगा जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षक अच्छा काम कर रहे हैं, जो अछूते हैं, उन शिक्षकों को 3 सितंबर को होटल अमित पार्क में सम्मानित किया जाएगा। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।